बच्चे हमेशा आगे बढ़ने के लिए बेसब्र होते हैं। बच्चे हीर को ही देखिए, हर साल अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाती है। हर साल मानवी की लंबाई और वजन सही सही बढ़ते हैं। वेदांग की आंखें फीकी नहीं है, वो हर रोज नए ख्वाब देखती हैं। लेकिन दूसरी ओर आज भी 38% बच्चे कुपोषित, कमजोर और 54% किशोरियां एनीमिया से ग्रस्त हैं, जिसकी वजह से वो अपना बचपन और पूरा जीवन अपनी पूरी क्षमता से नहीं जी पाते हैं। आखिर क्यों? आज भारत विकास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। आज हमारे पास 65% लोग युवा हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की सबसे बड़ी ताकत बताया है। जब आपके परिवार में किसी का जन्मदिन आता है, किसी की शादी की सालगिरह आती है, किसी की पुण्यतिथि आती है, आप उस दिन कुछ न कुछ खाना पका करके खुद आइए, आने वाली में बच्चों के साथ बैठिए, खुद परोसिए, एक ऐसा माहौल बनेगा अब बदलाव देखिए। लेकिन जब ये विशाल मानव बल स्वस्थ होगा तभी तो देश सशक्त हो पाएगा ना? ये गौर किया भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री ने लगाई आवाज देश के अब तक के सबसे बड़े न्यूट्रिशन मिशन के लिए, राष्ट्रीय पोषण मिशन, जिसका लक्ष्य है 2022 तक कुपोषण दर को 38 से घटाकर 25% तक ले जाना। पर ये लक्ष्य पाना आसान नहीं है, इसलिए इस मिशन में फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स और जो जमीनी स्तर पर बच्चों के पोषण के लिए काम करते हैं, इन्हें सबसे ज्यादा सशक्त किया जाएगा, जिससे वे बच्चों के पोषण पर मोबाइल से रियल टाइम निगरानी रख सके और रिपोर्टिंग करके सही कदम उठा सके। पर किसी एक डिपार्टमेंट के प्रयास से शायद ये संभव ना हो, इसलिए महिला एवं बाल विकास, हेल्थ, वाटर और सैनिटेशन जैसे सभी विभागों को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया है इस मिशन ने, क्योंकि सबका साथ होगा तभी तो सबका विकास होगा। एक और बात, सिर्फ पोषक खाना खिलाने से हमारा मिशन सिद्ध नहीं होगा, हमें व्यवहार परिवर्तन करना होगा। पोषण के साथ साथ हम स्वच्छता की भी आदत डालेंगे, हाथ साबुन से धोएंगे, बाद नहीं खाएंगे, शौचालय का उपयोग करेंगे। जो बच्चियां आगे चलकर माँ बनने वाली हैं, उनकी सेहत के साथ समझौता तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। महिलाओं की डिलीवरी घर पर नहीं अस्पतालों में करवाएंगे। हम साथ मिलकर राष्ट्रीय पोषण मिशन को केवल सरकार का काम नहीं बल्कि जन जन का व्यक्तिगत मिशन बना देंगे, ताकि मानवी, वेदांग और सोनू की तरह देश के लाखों बच्चों को सही पोषण मिले और देश आगे बढ़े, ताकि हमारी अगली पीढ़ी को मिले एक नया भारत, सुपोषित भारत। इसलिए राष्ट्रीय पोषण मिशन, सही पोषण, देश रोशन।